घाघरा नदी को छोड़कर सभी नदियां खतरे के निशान के नीचे बह रही हैं। घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वहां पीएससी लगा दी गई है तथा सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। इसके अलावा कैंपियरगंज क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री के वितरण के साथ सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई हैं। जिलाधिकारी के आदेश से सभी अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। इसके अलावा कलेक्टर परिसर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई सूचना दे सकता है। इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि तहसीलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 36 गांव बाढ़ग्रस्त हैं, लेकिन पानी तेजी से घट रहा है। आमी और राप्ती नदियों का जलस्तर भी तेजी से घट रहा है। बाढ़ खंड द्वारा तरकुलानी का रेगुलेटर खोल दिया गया है जिससे जल निकासी हो सके। अगले एक दो दिनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, अभी अगर आप देखें तो रोहिन, राप्ती, कुवानो, गुर्रा, ये तीनों नदी, चारों नदियां जो हैं इस समय अपने डेंजर लेवल से नीचे बह रही हैं। घाघरा में, घाघरा ने भी अपना डेंजर लेवल फिर से क्रॉस किया है, तो इसलिए घाघरा रिवर बेल्ट पे एहतियातन सभी जगहों पर हम लोगों ने अलर्ट कर रखा है और वहाँ पे लगातार सिंचाई विभाग की टीम, राजस्व की टीम और पुलिस डिपार्टमेंट की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। डीएम साहब ने और भी जो नदियों पे तटबंध हैं जो हमारे कैंपियरगंज और अन्य क्षेत्रों के हैं वहाँ पर भी डीएम साहब ने सभी को निर्देशित किया है कि वे लगातार पेट्रोलिंग करते रहें और यदि कहीं भी कोई सीपेज या कहीं कोई इस तरह की बात आती है तो तत्काल कंट्रोल रूम को अवगत कराएं। कुछ ऐसे गांव भी हैं कि जो पानी के चपेट में हैं। देखिए, अभी वर्तमान में जो तहसीलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभी हमारे उस तरफ केवल 32 गांव ऐसे हैं जो कि अभी बाढ़ से प्रभावित हैं और लेकिन पानी बहुत तेज़ी से रिसीट कर रहा है। ख़ासतौर से जो अधिकांश गांव में थे वो आमी रिवर बेल्ट और राप्ती रिवर बेल्ट के थे तो वहां पे काफ़ी तेज़ी से पानी रिसीट किया गया है और अभी बाढ़खंड द्वारा तरकुलानी का रेगुलेटर भी ओपन कर दिया गया है तो उधर से भी काफ़ी पानी निकल जा रहा है तो अगले एक दो दिनों में काफ़ी रिलैक्सेशन इस क्षेत्र में हो जाएगा। जो गांव हाँ बिल्कुल चल रहा है। अभी हम लोगों ने 13,727 राहत खाद्य सामग्री किट वितरित किया है। अभी परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी की गर्मामय उपस्थिति में हम लोगों ने तहसील सजनवा के अंतर्गत भी राहत खाद्य सामग्री वितरित किया और लगातार माननीय जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में और उनके गर्मामय उपस्थिति में हम लोग खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ी है वहाँ नाव से भी हम लोग ने राहत वितरण का काम करवाया है तो राहत वितरण का काम प्रत्येक उस पर चल रहा है और पशुओं के चारे की भी व्यवस्था पूर्ण रूप से कर दी गई है। जितना तहसीलों द्वारा मांग किया जा रहा है पशुपालन विभाग द्वारा उतना चारा उपलब्ध कराया जा रहा है और चारे की भी कोई समस्या नहीं है। तारपोलिन शीट या किसी भी स्तर पर कोई समस्या नहीं है। लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के ग्राम प्रधान गण से भी बातचीत वार्ता की जा रही है ताकि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, कहीं नाव की आवश्यकता हो तो उसको भी हम लोग तत्काल रूप से वहाँ पर लगाएंगे।